हेलो मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहले स्वागत है आप सभी को आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में बताने वाला हूँ बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के हिंदी का प्रथम चैप्टर, जिनका नाम है शर्म विभाजन और जाति प्रथा। आपको मैं बता दूँ, इस चैप्टर से 2 से 3 मार्क के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरा मकसद ये है कि आप लोगों को मैं जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊँगा वो इम्पोर्टेंट ही होंगे, और यदि आपको याद नहीं होता है तो मैं जो बोलता हूं उसे आप शुरू से अंत तक ज़रूर सुनिए। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको 100% याद हो जाएगा और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा उसका आंसर आप सही सही दे पाएंगे, और इससे होगा कि आपका जो मार्क में फ़र्क पड़ेगा परसेंटेज में, वो अच्छा रैंक से आप पास कर पाएंगे। तो प्यारे दोस्त, अगर आपको याद नहीं होता है तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं इसमें कुछ टिप्स भी बताऊंगा याद करने का। पाठ को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस चैनल पे बिहार बोर्ड से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्टिव एवं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है मैं अपलोड करता हूं, चाहे वो मैथ का हो, साइंस का हो, सोशल साइंस का हो, या हिंदी, नॉन हिंदी, संस्कृत, मैथिली का हो, सभी का वीडियो मैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव अपलोड करता हूँ। आप लोगों को पता ही होगा, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए पाठ को स्टार्ट करते हैं। तो आपका मकसद रहेगा शुरू से अंत तक देखना और मेरा उसको पढ़ना और उसमें जो इम्पोर्टेंस है उसको बताना, ठीक है? तो चलिए पहला क्वेश्चन को आप लोगों के बीच प्रस्तुत कर देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर, शर्म विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं। तो देखिए, लेखक के बारे में अगर पूछा जाएगा तो पाठ में जितने भी लेखक हैं उनका नाम और उन्होंने क्या लिखा है वो आप जरूर याद रखें, क्योंकि उससे ही 10 से 15 मार्क के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि क्या या जैसे शर्म विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। वैसे 20 के दांत के लेखक कौन है, तो नलिन विनोचन शर्मा। तो इस प्रकार से जितने भी पाठ है और पाठ के लेखक है उसे जरूर याद रखें। उसके बाद वो क्या लिखा है, कविता है, कहानी है, निबंध है, क्या है, उसे जरूर याद रखें, ठीक है? तो चलिए पहला क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग जान गए कि शर्म विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर, देखिए चौथा क्वेश्चन है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। तो देखिए ये 2018 के फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि पाठ कौन से पढ़ रहे हैं, तो शर्म विभाजन और जाति प्रथा। तो यहाँ पे शर्म विभाजन तो है नहीं, तो यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रहा है जाति प्रथा को, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जाति प्रथा को। उसके बाद अगला जो इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है वो छठा है, तो भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। तो आप लोगों को पता रहना चाहिए कि हमारा जो संविधान है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखा गया है, तो उसका ही महत्वपूर्ण भूमिका होगा ना, तो इसीलिए इसका आंसर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके बाद देखिए सातवां क्वेश्चन है, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। तो देखिए दोस्तों, सभ्य समाज की जो आवश्यकता है वो आपके शर्म विभाजन से है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा शर्म विभाजन। इसके बाद अगला जो इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है वो 8 नंबर, इसमें है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है। तो देखिए दोस्तों, इसमें जितना भी रचना है वो डॉक्टर अंबेडकर के ही है, जैसे द कास्ट इन इंडिया ये भी है, द अनटचेबल्स यू आर दे ये भी उनकी ही है, उसके बाद हु आर शूद्रास्ट तो ये भी उनका ही है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में बात कर लेते हैं, और ये 9 नंबर क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, आधुनिक सभ्य समाज शर्म विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। तो इसका देखिए 2018 के सेकेंड सिटिंग में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो कार्य कुशलता के लिए, तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला जो इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है वो 10 नंबर क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, शर्म विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के भाषण का संपादित अंश है, और ये 2018 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? तो इसका सही आंसर होगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जैसे यहाँ पे सी है, तो इसका सी आंसर सही है। 11 नंबर इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है,
कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? तो देखिए सबसे पहले उन्होंने तो न्यूयॉर्क गए थे, तो इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा न्यू यॉर्क। उसके बाद देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन है? तो देखिए दोस्तों अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मक के लिए जो प्रेरक व्यक्ति है उसमें से बुद्ध, कबीर, ज्योति, बा फुल्ले, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। उसके बाद देखिए 13 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? तो देखिए ये जो है लाहौर में जाति पाति तोड़क मंडल भाषण जो है वो 1936 ईस्वी में हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा 1936 ईस्वी अर्थात सी। उसके बाद देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, शरण विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो देखिए दोस्तों इसका कहने का तात्पर्य ये है कि शरण विभाजन और जाति प्रथा जो पाठ है वो पाठ की कौन सी विधा है। तो आप लोगों को ये जानकारी होना चाहिए कि शरण विभाजन और जाति प्रथा जो है वो पाठ की निबंध है, तो इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन सी निबंध। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन जो अगला इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, ठीक है, अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया? तो ये इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, आप इसे याद रखें और जितना भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताता हूँ वो इंपॉर्टेंस ही है। तो प्यारे दोस्त इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए ललित सिंह यादव। तो आप लोगों को ये याद रहना चाहिए ऑप्शन ए ललित सिंह यादव। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो आप लोगों को जानकारी होगा कि ये जो है महार जाति अर्थात दलित परिवार में हुआ था, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा दलित। उसके बाद देखिए दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन है, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? देखिए दोस्तों लेखक को जो है इस युग में जो है जातिवाद पर जो है विडंबना दिखाई दिया, तो इसीलिए जातिवाद में इसका सही आंसर 17 का ऑप्शन ए जातिवाद में। उसके बाद देखिए दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के नाम से जान सकते हैं, कि डॉक्टर अंबेडकर ने PhD की उपाधि कब धारण की, या डॉक्टर अंबेडकर को PhD की उपाधि कब प्राप्त हुई? तो इसका सही आंसर 1916 ईस्वी में होगा, ये इसका ऑप्शन सी सही आंसर है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इंपॉर्टेंस क्वेश्चन, ठीक है। अगला जो इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज किसकी रचना है? तो देखिए ये भी तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का ही है, तो इसीलिए भीमराव अम्बेडकर। उसके बाद है अगला जो इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है 24 नंबर, मूक नायक क्या है? तो देखिए दोस्तों मूक नायक जो है एक प्रकार की पत्रिका है, तो इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन बी होगा पत्रिका। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहां हुई? तो देखिए दोस्तों ये आप लोगों को जानकारी होना चाहिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जो मृत्यु हुआ वो 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 2019 के सेकेंड शिफ्ट में पूछ दिया गया क्वेश्चन है, कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? तो इस चीज़ के बारे में आप लोगों को जानकारी होगा, अगर नहीं हुआ है तो मैं आप लोगों को डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा। तो आप लोग अभी फ़िलहाल याद रखें 14 अप्रैल 1891, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? तो ये आप लोगों को मैं बताया कि महू अर्थात महुआ के मध्य प्रदेश MP अर्थात महू मध्य प्रदेश। उसके बाद देखिए दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो देखिए दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर ने जो पत्रिका का संपादन किया वो बहिष्कृत भारत का, तो इसीलिए इसका ऑप्शन सी सही आंसर है बहिष्कृत भारत। इसके बाद अगला जो इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है जो 29 नंबर क्वेश्चन है, कि भारतीय संविधान का निर्माण के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो देखिए भारतीय संविधान का जो निर्माण किया गया था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही किया गया था, तो इसीलिए इसी को हम जानेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला जो इम्पोर्टेंस क्वेश्चन जो 30 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर का वार्ड में हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? तो देखिए दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, क्या होगा 21 खंडों में। उसके बाद
31 नंबर क्वेश्चन जो अगला इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो ये आप लोगों को भली बात ही पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए आवश्यक जो है वो श्रम विभाजन, इसीलिए इसका ऑप्शन ए सही आंसर है। उसके बाद देखिए दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 2018 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा गया है, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं? तो देखिए दोस्तों जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन के साथ साथ जो है वो श्रमिक विभाजन का भी रूप लिया है, तो इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा श्रमिक विभाजन। इस प्रकार से पहला जो पार्ट है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिनके लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, इस पार्ट से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनका मैं क्वेश्चन आंसर करा दिया हूँ। यदि आपको फिर भी कोई डॉट है तो हमें कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले चैप्टर जो कि 20 के दांत हैं, जिनके लेखक नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं उनमें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।